Good morning YouTube family. So welcome to day 9 of my journey. और जैसे आप लोग देख रहे हैं, हम सबके चेहरे बता रहे हैं हालत हमारी. क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ. कपू भाई हमारे सबसे धीट है यहाँ पर. कुछ नहीं होता उनको, हमेशा ऐसे ही रहते. कल रात को भी शॉर्ट्स पहन के घूम रहे थे. कैसे जमता है भाई आपको? जमा हुआ है. जमा हुआ है एकदम कायदे से जमा हुआ है. इससे आगे कुछ नहीं बोल सकते. ठीक है. और क्या जमा हुआ है वो उधर दिखाओ इनको. ये दिखाओ, ये सब दिखाओ. ये सब जमा हुआ है जो ऊपर जमा हुआ है. ये कपू भाई के हिसाब से ये जमा हुआ है तो वो भी जम गए इनमें. तो सीट भी देखो हमारी बाइकों की, कैसी बर्फ जम गई है उसके ऊपर पूरी पूरी. दिस इज क्लासिक. यस. और हमारे निकुंज भाई को तो रात को गर्मी हो रही थी. निकुंज भाई क्या बोलते, बोलो ना, कैसे जम रहा है ऐसा तुमको भी कप्पू भाई जैसे? मेरे को तो इतना ठंडी नहीं लगा रात नहीं को. लगा. मैं चार जन थे हम लोग, मैं तो बीच में सो गया था. चार लोग के बीच में गर्मी ले ली. हाँ हम तो गर्म थे भाई. चलो बढ़िया है. चलो अभी निकलेंगे. कभी कितने तक? मेरे ख्याल से 8 बजे से पहले कोई निकलने नहीं वाला. हालात तो लग नहीं रहे. नहीं लग रहा है. हाँ जी. 5:50 हुए तो 7 बजे तक हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे. 7 बजे तो हो जाएंगे. 7 बजे तक हम रवाना हो जाएंगे. ओके. बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ वाटर क्रॉसिंग नाउ टू टेक केयर एंड वी हैव द टफेस्ट रोड ऑफ दिस एंटायर जर्नी टू क्रॉस. सो टारगेट सेट बाई प्रीत इज 7 o'clock. हु इज ऑलवेज 1 hour बिहाइंड द शेड्यूल. सो बाई 8 AM वी शुड टेक आउट फ्रॉम हियर. सो वी शुड हैव लिटिल प्रेजेंस ऑफ द सन ऑन अस. Right now, though, it is a very shitty condition. Right. We all are freezing. थोड़ा सूर्य देवता की हमारे ऊपर. बस प्रे करते हैं कि थोड़ी मेहरबानी करे हमारे ऊपर, तो कहीं हम भी आइस फ्रॉस्ट से ऊपर आ जाए. राइट. चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर पे. राइट ऑन द बाइक. थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेंगे. थोड़ी देर में चाय वाय पी लेंगे. पॉटी हुई नहीं नाश्ता करें. ये वाली पॉटी वाली सीन तो है यार. मैं तो जाकर आ गया अभी. जो भी हो, कितना भी डिग्री हो, सुबह सुबह तो जानी है अपने को. I'm just the stupid common man. Anyways, देखते हैं ये डालना है कि नहीं वीडियो में पॉटी वाला सीन. डाल देना, बहुत नेचुरल लगेगा. हाँ. तो हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से बातल से. जैसे आप देख रहे हो सीट पूरी पूरी बर्फ से भर गई थी. मैंने थोड़ा सा खिसके निकाला यहाँ से बर्फ ताकि वो थोड़ी बैठने लायक हो. काफी बढ़िया जबरदस्त रहा ये एक्सपीरियंस बातल का. और अभी हम लोग करेंगे कुछ वाटर क्रॉसिंग्स और पहुंचेंगे मनाली. साइरा, ऑल द बॉयज आर रेडी टू गो. हाथ थोड़े वापस फ्रीज हो गए. ग्लव्स थोड़े गीले थे कल. थोड़ा धूप में खड़ा हो जाऊंगा तो ठीक हो जाएंगे. एंड वी हैव लेफ्ट. तो ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग. वैसे छोटी मोटी वाटर क्रॉसिंग्स आ रही है हमें इस रूट में. और ये मेरे भाई लोग मेरे एक्सपीरियंस पर्सनल पहल पहल के जा रहे हैं. Oh, 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 oh
वाटर क्रॉसिंग तो आप लोग ने देख लिया ही होगी, तो ये शिप क्रॉसिंग भी देख लीजिए। कुछ टेंट्स लगे हुए इधर और कैंपिंग चल रही है, हम लोग भी यहाँ रुक गए, कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर चले गए आगे। तो बोस के बाइक का टायर वापस प्रॉब्लम दे रहा है और हम लोग ने लगभग यहाँ पर एक घंटा बिता दिया, थोड़ा रिलैक्स भी कर लिया और पंचर भी बना लिया, फिर भी थोड़ा वॉल से लीकेज है मेरे ख्याल से। दिस वॉज एन अल्टीमेट, थोड़ा बहुत मज़ा आने लगे हैं मुझे ऐसे टेरेन का, लगता है अभी स्पोर्ट्स बाइक बेचने का टाइम आ गया है और एडवेंचर बाइक लेने का समय आ गया है, क्योंकि मुझे बिल्कुल आदत नहीं थी ऐसे बाइक चलाने की, अभी सबको देख देख के सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो वी काइंड ऑफ हैव अ सीनियर, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। So we have a kind of a landslide हो गया यहाँ पर, रोड की मरम्मत चल रही है, so this might take some time, तो रुकना पड़ेगा ये थोड़ी देर के लिए, जब तक ये क्लियर नहीं होता रुक जाएंगे, अभी क्या कर सकते हैं। तो लगभग 20-25 मिनट के बाद खुल गया है ये रास्ता, बाइकर्स के लिए तो खुल गया है, कोई दिक्कत नहीं है, कार वालों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है खुलने के लिए, बाइक वाले वैसे काफ़ी लकी होते हैं, थोड़ा सा भी रास्ता खुल जाता है तो निकल जाते हैं। और ये और एक वाटर क्रॉसिंग, बढ़िया सी। तो हम लोग फाइनली मेन रोड पे आ गए हैं, तार रोड पे आ गए हैं, पता नहीं कोई दिख नहीं रहा है साइड में, ऑफ रोडिंग खत्म, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। डिक्की पे चप्पल से मारूं? पूरा उतार है ये, तो बहुत ध्यान से आना पड़ रहा है क्योंकि गाड़ी काफी रेव कर रही है और रोलिंग में जा रही है, इसलिए गियर बहुत संभाल के डालने पड़ रहे और गियर ब्रेकिंग भी करना पड़ रहा है। तो हम लोग अटल टनल के पास आ गए हैं और फाइनली अटल टनल कर रहा हूँ मैं। पहले हमेशा लगता था, टीवी में देखा था लोगों को अटल टनल करते वक्त, आज खुद भी कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। Oh, 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 oh
Finally, Atal Tunnel. Here I am, Atal Tunnel. Here I am, Atal Tunnel. पीछे 40 का स्पीड था, यहाँ पर 60 का कर दिया है, तो थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं स्पीड। यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होता यार, कितना बड़ा टनल है ये। करीबन आई थिंक आराम से एक 5-8 मिनट से मैं चला ही रहा हूँ और ख़त्म ही नहीं हो रहा अटल टनल। और एग्जिट्स भी बनाए बीच बीच में इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। अगर आप देख रहे हो उधर हरे में दिए हुए है साइंस, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है टनल के अंदर। बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। बहुत ही बड़ा टनल है ये तो। अरे भैया कभी ख़त्म होगा क्या टनल? ये अंदर ही दम घुटा देंगे हमारा। और फाइनली आई थिंक ख़त्म हो रहा है अटल टनल, आई थिंक सो। वाइट लाइट कुछ तो दिख रही है आगे। एंड दैट्स द एंड ऑफ अटल टनल, अटल टनल की समाप्ति। थैंक्स ऑन विजिट अगेन, कहता है बोर्ड आगे। हाँ जी विजिट करेंगे जल्दी, प्रे टू गॉड कि हम वापस से विजिट करें जल्दी से। थैंक्स एंड विजिट अगेन सेज द बोर्ड। और अटल टनल क्रॉस करने के बाद ये खूबसूरत नज़ारे, बड़ी बड़ी झाड़े। हमारे और नेक्स्ट हॉल्ट है मनाली, लेकिन यहाँ इतना ठंड नहीं है, या फिर पता नहीं मैं बादल हो के आया हूँ करके मेरी क्षमता बढ़ गई है। और ये गाय बीच में बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे, आगे से ब्लाइंड में आती है गाड़ी। और ये है सोलांग वैली, यहाँ की फेमस आई थिंक पैराग्लाइडिंग वगैरह काफ़ी होती है यहाँ पर। वो देखो ऊपर पैराग्लाइडिंग कर रहे। तो चलते हैं यहाँ से आगे, और प्रॉबेबली मैं भी करूँ ये पैराग्लाइडिंग कल के दिन में। आई थिंक हम नज़दीक पहुँच गए अभी हमारे रिजॉर्ट के, 2 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। और क्या बेहतरीन जगह है ये, ज़िंदगी सफल हो गई मेरी। और ये हम लोग लगता है आ गए हमारा रिजॉर्ट। और पार्किंग आगे करते हुए यहाँ पर फाइनली पहुँच गए हम लोग हमारा रिजॉर्ट। तो डे 9 एंड होता है यहाँ पर, और आज का राइड काफ़ी बेहतरीन रहा। आई थिंक इट वाज द बेस्ट राइड अमंग ऑल द राइड्स, जो भी अभी तक राइड्स किए उसमें से ये वाला सबसे बेस्ट था मेरे हिसाब से। तो हम लोग अभी मनाली के होटल में रुके हैं, एंड आई विल जस्ट शो यू द रूम। तो बढ़िया सा रूम है ये। इनफैक्ट मैं कल डे 10 में अच्छे से बताऊंगा रूम, प्लस व्यू भी यहाँ से बहुत ही बढ़िया है। तो गाइज होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना प्लीज़, एंड डू हिट द बेल आइकन टू। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, मिलते हैं डे 10 में अब। सी यू फ्रॉम बाइकर डैड लाइफ, बाय बाय।